हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास 9 ग्रेविटेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वेलकम टू गो टू साइंस। स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन को बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है नॉर्मली, या ग्रेविटेशन क्या होता है कि इस यूनिवर्स में हर चीज क्या कर रही है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ओके, हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है और जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है उस फोर्स का नाम रख दिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? ओके, लेकिन अगर उन दो बॉडीज में से, जो दो बॉडी एक दूसरे को इस यूनिवर्स में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, उन बॉडी में से कोई एक बॉडी भी अगर अर्थ है अपना, तो उसका नाम इसी ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम क्या पड़ जाएगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी पड़ जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? सर, किसी भी इस यूनिवर्स में किसी भी दो बॉडी के बीच लगने वाला जो फोर्स है, एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इस बॉडी का नाम क्या है, इस फोर्स का नाम क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और अगर अर्थ और किसी दूसरे बॉडी के बारे में बात करेंगे, जैसे अर्थ और मेरे बीच जो फोर्स लग रहा है उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। अर्थ और किसी पेड़ के, अर्थ और किसी टेबल के बीच, अर्थ और सन और अर्थ और मून के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दीज आर नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, बट ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहलाएगा, बिकॉज इतना अर्थ की बात है, राइट? चलिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्लियर है आपको, राइट? व्हेन यू नो, वी नो दैट, इसमें आप इसकी डेफिनेशन तरह से लिख सकते हो कि इन द यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट attracts every other object, right? With a force which is called gravitational force, okay? And in case of Earth, we say it denotes this gravitational force as gravity or force of gravity, okay? अच्छा, उसके बाद यहाँ से न्यूटन ने, सर आइज़क न्यूटन ने अलग से लॉ दिया ग्रेविटेशन के लिए, जिसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उन्होंने इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। सर, इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी हर चीज में एक दूसरे को क्या कर रहा, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा। तो न्यूटन ने कहा कि मान लो कि एक बॉडी ये है, ध्यान दीजिए, इसका मास है मान लेते हैं m1 और दूसरी बॉडी ये है जिसका मास है m2, इनके बीच की डिस्टेंस जो है, इसके बीच की डिस्टेंस है d, ओके? तो इन दो बॉडी के बीच, यूनिवर्स में ये दो, कोई सी भी दो बॉडी हो सकती है, हो सकता है ये मैं हूँ, हो सकता है ये आप, हो सकता है ये टेबल है, ये चेयर, हो सकता है ये सन है, ये मून है, हो सकता है ये अर्थ है, ये मून है, हो सकता है ये अर्थ है, ये सन है, कुछ भी दो बॉडी हो सकता है यूनिवर्स के अंदर, हो सकता है ये एक स्टार है, दूसरा स्टार है, मतलब एनीथिंग कैन बी नो इन द यूनिवर्स। सो यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो बॉडी के बीच एक फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को नॉर्मली हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है? और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। मतलब ये न्यूटन ने कहा अपने स्टेटमेंट में कि फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी इसी फोर्स के बारे में कहा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के डिस्टेंस के, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। अब जरा इसका मीनिंग समझो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब? देखो, रट्टा मार के हम तो सीख ही लेंगे, देखो लॉ आप याद कर लोगे, एग्जाम में जाके लिख लोगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है, इनवर्सली का मीनिंग क्या है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब बेटा कि अगर मास, यानी दो बॉडी जिसके बीच ये फोर्स लग रहा है, अगर उन दोनों बॉडी का मास कम है तो भाई फोर्स भी कम रहेगा। मान लो मास, इन दोनों बॉडी का जो मास है नॉर्मली, अब इन दोनों बॉडी को रिप्लेस कर देने किसी हेवी मास से, मतलब ज्यादा मास वाली बॉडी से, तो अब इसका मास जनरली बहुत ज्यादा है दोनों का मास, तो इनके बीच फोर्स भी ज्यादा लगेगा। मतलब मास कम था तो फोर्स कम, और मास ज्यादा हो गया बॉडी का तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा, राइट? इसका मतलब यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझिए, डिस्टेंस के इनवर्सली मतलब होता है उल्टा रिलेशन इन दोनों का। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घट जाएगा, स्क्वायर है, ध्यान रखना, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घट जाएगा, डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। मतलब डिस्टेंस को अगर इंक्रीज करेंगे, दोनों बॉडी के है ना दूरी को अगर बढ़ाओ, आप डिस्टेंस इंक्रीज करो, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कम हो जाएगा, ठीक है? और अगर इनके बीच की डिस्टेंस को आप यू नो कम करो, मतलब इन दोनों को करीब करो, डिस्टेंस कम होगा, तो डिस्टेंस कम होने पर फोर्स बढ़ जाएगा, राइट? क्लियर है? तो ये इसका मतलब है, ओके? अच्छा, इसको, यानी इस वाले लॉ को, सेकेंड लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से भी जाना जाता है, ओके? सो दिस वाज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द स्टेटमेंट। इसको आप थोड़ा सा आप चाहो तो लिख लो, इस चीज को आप नोट्स में आप बना सकते हो कि इन दिस यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये लॉ है, लॉ का स्टेटमेंट बता रहा हूँ मैं कि इट स्टेट्स दैट, भी लगा दो क्योंकि लॉ है, तो हम यही स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इट स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ओके, विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपका स्टेटमेंट, यानी कि न्यूटन, सर न्यूटन का, सर आइज़क न्यूटन का स्टेटमेंट है, इस तरह से आप लिख लीजिएगा इसको। तो दिस वॉज यूनियन। अच्छा, अब इन दोनों को अगर मैं मिलाना चाहूँ, दोनों को मिला के रखूँ, इस लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, यानी प्रोपोर्शन का साइन लगाया, m1 m2 को ऊपर रखा हमने, क्योंकि सर m1 m2 तो साथ में है, और नीचे लगा दिया डी स्क्वायर। अब भी एक ही मतलब है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा f = ठीक है, f = प्रोपोर्शनलिटी साइन के बदले में कांस्टेंट है, दैट इज नोन एज g, ठीक है, कैपिटल g, भी इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको।
उसके बाद है m1, उसके बाद है m2 अपॉन में है बेटा डी स्क्वायर, अपॉन में क्या है डी स्क्वायर। इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स का हमें क्या मिल जाता है, फॉर्मूला मिल जाता है। और यहाँ पे कैपिटल जी क्या है उसके बारे में यहाँ बात करते हैं। कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ओके बेटा, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ओके अच्छा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल क्यों पढ़ा, क्योंकि बस ये जो कैपिटल जी है इसकी जो मैं वैल्यू अभी लिखने वाला हूँ, ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, राइट। मतलब आप अगर इस जी की वैल्यू अगर अर्थ पे कुछ भी ले रहे हो तो आप मून पे भी उतना ही लोगे, राइट। मतलब इसकी वैल्यू किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 पॉइंट में लिख दे रहा हूँ, 6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर, ये हमारा कैपिटल जी की वैल्यू हो जाएगी। आप इसको चाहो तो अप्रोक्स, इसको आप अप्रोक्स 6.7 भी ले सकते हो, 6.7 × 10^-11, ठीक है, यूनिट यही सेम हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यूज लिख सकते हो कैपिटल जी की, ठीक है। कैपिटल जी यूनिवर्सल यानी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, और इसका इसका जो पूरा नाम है वो आपको ध्यान रखना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू आपको पता है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी। तो ये था हमारा जनरली यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का पूरा एक्सप्रेशन जी के साथ, कैपिटल जी के साथ। कैपिटल जी का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ये स्केलर है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो जाहिर सी बात है स्केलर ही होगा, इसका इसका इसकी वैल्यू चेंज नहीं करती, वैरी नहीं करता कहीं पर भी, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, सारी कहानी आपको इसकी पता होनी चाहिए, राइट। अच्छा, उसके बाद ये था हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड जो है न्यूटन का स्टेटमेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स पता आपको एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, बताया ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत दूर से भी लग सकता है, आप बहुत दूर भी चले जाओ उसके तब भी आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स है, बता आपको वीक फोर्स है, ये नेचर में वीक है, वीक मतलब ये कमजोर है थोड़ा सा, ठीक है। मतलब उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स जो ना चार्जेस के बीच लगते हैं या दो चुंबक के मैग्नेट के बीच लगेगा, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, तो ये एक तरह का वीक फोर्स है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके बच्चों, तो इस तरह से जनरली हमारा ये ग्रेविटेशनल फोर्स या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेडिंग स्टेटमेंट मैंने बताया, एक्सप्रेशन आपके सामने है, फोर्स का फॉर्मूला आपने कैलकुलेट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आपको पता करना सर मेरे और मेरे दोस्त के बीच कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, आप निकाल सकते हो आराम से, बहुत ही आसान है बिल्कुल। आप क्या करो, जी की वैल्यू यहाँ इतना डाल दो, ये वैल्यू डी जी की आपने यहाँ रखा, एम वन आप अपना मास रखो, एम टू की जगह पे अपने दोस्त का मास रखो आप, ठीक है, और अपॉन में डी स्क्वायर करना, मतलब आप दोनों के बीच दूरी जो है मान लेना 1 मीटर, कितना है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, नीचे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके बीच। तो आपके बीच जो फोर्स आ गया ना बेटा, वो फोर्स की वैल्यू देखना आप काफी कम होगा, 10^-11 है ना, इस तरह से आपका जो आपके बीच फोर्स होगा, तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू होगा ना फोर्स की, इसीलिए आप दोनों में फोर्स लग तो रहा है, आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे हो ग्रेविटेशनल फोर्स से, लेकिन एक दूसरे की तरफ जा नहीं रहे, क्योंकि इस फोर्स की वैल्यू बहुत बहुत कम है, मतलब ना के बराबर इस फोर्स, तो फोर्स लग रहा है लेकिन इतना कम है सर कि हम अट्रैक्ट कर तो रहे हैं लेकिन एक दूसरे की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं। बात समझ आके क्लियर है? तो ये दिस वाज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से चार इंपॉर्टेंस जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है वो चार इंपॉर्टेंस क्या क्या, थोड़ा थोड़ा करके समझ लेते हैं। चारों इंपॉर्टेंस में जो पहला इंपॉर्टेंस है वो है हमारा कि हम लोग इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ के ऊपर बंधे हुए हैं, क्योंकि अगर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता तो हम अर्थ के ऊपर चल भी नहीं पाते ढंग से। तो उसमें लिखा हुआ है कि हम लोग बाइंड्स, हम लोग बंधे हुए हैं किससे, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ के ऊपर, राइट। दूसरा कि जो ये प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सन के चारों तरफ, दूसरा ये स्टेटमेंट सेकंड कि ये हो सकता है सीक्वेंस में आगे पीछे, पर ये चार में बता दो एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। तो दूसरा स्टेटमेंट कि प्लैनेट्स जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, दिस इज ओनली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, उनके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्लैनेट्स एक दूसरे की सन के चारों तरफ घूम रहे हैं अपने ऑर्बिट्स में। तीसरा जो है हमारा वो है कि जो मून है हमारा, जो नेचुरल सेटेलाइट अपने अर्थ का, तो मून अपने अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि टाइड्स जो होते हैं हमारे सन, हमारे अर्थ में जो टाइड्स होते हैं समुद्र में, जो टाइड्स होते हैं आपने देखा होगा समुद्र का पानी कभी ऊपर आ जाता, लेवल कभी कम हो जाता ज्यादा, कभी कम हो जाता। नॉर्मली मुंबई में नॉर्मली मैं गया था तो मैंने देखा कि शाम के टाइम पे नॉर्मली जो पानी का जो लेवल है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और दिन के टाइम दोपहर के टाइम पे थोड़ा सा दूर रहेगा पानी। तो इस तरह से हम टाइड्स को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। टाइड्स होते किसकी वजह से, टाइड्स होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एंड सन। तो ये भी लिखा हुआ है कि मून एंड सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होते हैं, टाइड्स होते हैं। तो ये चार स्टेटमेंट है, आप उसको याद कर लीजिएगा पेपर में, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आप आराम से इस चीज को लिख सकते हैं चार स्टेटमेंट को, और मीनिंग आपने समझ ही लिया। मून और सन दोनों के पुल की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइड्स जो होता है समंदर में, जो पानी उसका लेवल थोड़ा ऊपर उठ जाता है क्योंकि वो खिंच जाता है मून की तरफ। अब नॉर्मली मून ज्यादा फोर्स लगाएगा बिकॉज मून करीब है और सन जो काफी दूर है, तो सन नॉर्मली कम फोर्स लगाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो
ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्लियर है। तो ये था हमारा यू नो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैंने ग्रेविटेशन फोर्स के कुछ नेचर बताया, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई, और मैंने फिर एक्सप्रेशन बताया आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। इतनी बात हम लोग इंपॉर्टेंस बताया, पर हमें इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया, इतनी बात हम लोग यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।